लॉ डिपार्टमेंट उस साइड पे। थैंक यू आंटी। क्या एक आंटी किसे बोला? इसे जाकर लेफ्ट होना। हाँ जी। थैंक यू आंटी। और आंटी किसे बोले? आपकी एज ठीक ठाक है? आप आपके बच्चे की उम्र की लग रही हूँ मैं। ही बोला, मतलब सच बोलूंगा तो आप बुरा मान जाएंगी। मैं कहाँ सच की लग रही हूँ, मैं इतनी छोटी बच्ची लग रही हूँ। मैं आंटी कहाँ से लगी हूँ? अल्लाह माफ करे, मतलब आंटी को आंटी कहना भी गुनाह है। मैं अंकल भी कह सकती हूँ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज योर बॉय कॉमरेड काशिफ, और आज मेरे साथ हैं पिंडी बग से। दिस इज अजाज सती फ्रॉम पिंडी बग्स। एंड दिस इज हादी खान फ्रॉम पिंडी बग्स। गाइस आज हमारी कोलैबोरेशन वीडियो प्रैंक बहुत जबरदस्त हुआ है। जिसमें यूनिवर्सिटी में हमने प्रैंक किया, तो प्रैंक को आपने एंड तक देखना, लाइक करना है, कमेंट करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और नीचे बाइक के चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको भी जाएं और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। एक्चुअली में बात सुनिएगा, ये यहाँ पे लॉ डिपार्टमेंट का रास्ता किस साइड पे? अस्सलाम वालेकुम, लॉ डिपार्टमेंट किस साइड पे है? एक्सक्यूज मी, मुझे बता सकती हैं कि लॉ डिपार्टमेंट का रास्ता कौन साइड का है? एक्सक्यूज मी, बात सुनिएगा जी, लाइब्रेरी किस साइड पे? ये बिल्कुल सामने। थैंक यू आंटी। आंटी बोल रहे हैं। मुझे लगा आपकी एज ठीक ठाक है। आप आपके बच्चे की उम्र की लग रही हूँ मैं। मेरी खुद भी 18 साल होनी है इस साल। मैं 18 से भी छोटी हूँ। तो आपको आंटी बोला, मतलब सच बोलूंगा तो आप बुरा मान जाएंगी। मैं कहाँ से आंटी लग रही हूँ, मैं इतनी छोटी बच्ची लग रही हूँ। मैं कहाँ से आंटी लग रही हूँ, मैं इतनी छोटी बच्ची लग रही हूँ। मैं कहाँ से आंटी लग रही हूँ, मैं इतनी छोटी बच्ची लग रही हूँ। यकीन करें, मैंने फर्स्ट टाइम, मतलब मैंने वहाँ से देखा तो मैं क्या, वो लड़कियाँ थी, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं क्या आंटी से पूछ लेता हूँ। मुझे तो आप अंकल से भी बड़े लग रहे हैं। नहीं, आप दिल पे ले रही हैं, अगर बुरी लगा हो तो सॉरी। ठीक है, सॉरी आंटी। कितने बदतमीज हो। असल में आप देखें, मैं मेरे मुँह से हमेशा सच निकल जाते, मैं जानबूझ के नहीं बोलता। तो ठीक है बाबा, जाओ तुम भी इधर से। लॉ डिपार्टमेंट उस साइड पे। थैंक यू आंटी। माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। एक मिनट आंटी, किसे बोला? आपको बोला रास्ता। आप खुद देखे अंकल लग रहे हो, जाके शीशे में शक्ल देखो अपनी। नहीं लग रहा तो आपको बोला ना, मेरे मुंह पे नूर नहीं देखा, मैं सच ही बोलता हूँ, मैं झूठ नहीं कभी बोला। अंकल से आंटी लग रही हूँ। आप लग रही है इसीलिए बोला। नीचे जाए, साथ ही स्टेयर्स है ना, नीचे स्ट्रेट चलते हैं। स्टेयर्स मतलब इतनी तो आती है मुझे। बहुत शुक्रिया आंटी, तुमने मुझे आंटी बोला। असल में इशू ये था कि वहाँ पे लड़कियाँ गुजर रही थी ना, तो तुम लड़कियों को भी कहते? नहीं नहीं नहीं, लड़कियों को अल्लाह माफ करे। मैं इनका लड़की आंटी लगी हूं। मैं क्या लड़कियां माइंड कर दी तो आंटी से पूछ लेता हूं। मैं आंटी कहां से लगी हूं? अल्लाह माफ करे, मतलब आंटी को आंटी कहना भी गुनाह है। मैं अंकल भी कह सकती हूं। फिर देखिए, जिस तरह आप गुस्सा करी, मैंने खुदा की कसम रोना शुरू कर देना। रोले? आपने मुझे आंटी बोला? मुझे कोई भी नहीं चुप करा सकेगा यहां पे। फिर यहां से जाएंगे ना, फिर आप लेफ्ट हो जाइएगा तो सामने ही। यहां से जाकर लेफ्ट होना। हां जी। थैंक यू आंटी। ओए आंटी किसे बोले? आपको बोले। बुड्ढे खुसर, खुद को देखे। बुड्ढे खुसर, खुद को देखे। बुड्ढे खुसर, खुद को देखे। ये तो होगा। मेरी खाला की उम्र की लग रही है आपको। अच्छा, अब बात सुनिएगा। एक्सक्यूज मी, बात सुनिए, हम छोड़ा शूट कर रहे थे, माइंड ना करिएगा, पीछे कैमरा लगा हुआ है। वो हाँ, मैं आंटी बिल्कुल भी नहीं, नहीं वाकई आंटी नहीं लग रही। असल में हम क्यूट गर्ल कॉलिंग आंटी, मतलब प्यारी लड़कियों को हम आंटी बोले, हाथ ही ला दीजिएगा। चले भाई, सॉरी आंटी। आंटी ना बोलो। मैं क्या बोलूँ, अल्लाह ने जुबान दी, कुछ ना कुछ तो निकलेगा ना। बहन नहीं, मेरा नाम बोल लो, लेकिन आंटी ना बोलो। नाम क्या आपका? नाम क्या आपका? अय्यर, अय्यर वेणुगोपाल अय्यर, वेणुगोपाल अय्यर छोटी सी बात, हम एक सोशल एक्सपेरिमेंट था, प्रैंक शूट कर रहे थे, वो कैमरा लगा हुआ सामने, वो नीचे बैठा हुआ लड़का, हाथ हिला दीजिएगा। हाथ हिला दी बस। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।